10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Normal. Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए। क्लियर वेदर हियर इन श्रीहरिकोटा एंड अ गुड विजिबिलिटी फॉर द फ्लाइंग रॉकेट। यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चढ़ा है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। द एक्शन टाइम ऑफ SS1 इज 115 सेकेंड्स। फ्लेक्स नॉजल फॉर पिच एंड योर स्टीयरिंग, फिन टिप एक्चुएशन फॉर द पैसिव रोल कंट्रोल। यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा। इस दौरान यह लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है। Altitude of close to 68 kilometers in 114 seconds. Plus 2 minutes. Shar and Trivandrum tracking stations are currently acquiring the data. Stage ignited, first stage separated. जी हाँ, इस कड़ी में जैसा निर्धारित था द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है तथा प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। We now have the confirmation of the completion of action of first stage, its separation, and the second stage already has commenced its operation. द्वितीय चरण भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 7.7 टन का ठोस नोदक है और इस प्रज्वलन के दौरान 234 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The payload fairing has been separated from the ongoing launch vehicle. SS2 currently operational. Plus 3 minutes. यहाँ ऊष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसे कि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है, तो इसे यान से पृथक कर दिया गया है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय चरण SSLV का प्रज्वलनरत है। Around 200 kilometers altitude. Shard, Trivandrum and Port Blair stations have currently the visibility of the flight path. यह चरण लगभग 109 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएगा, फिर इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Plus 4 minutes. इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। इसका अर्थ है वह अपने संवेदक से संकेत प्राप्त कर अपने दिशा निर्धारण स्वयं कर रहा है। अब SS2 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वह बंद हो चुका है। उसके साथ ही SS2 S3 कोस्टिंग फेज जारी है। यह कोस्टिंग फेज लगभग 163 सेकंड तक जारी रहेगा। Vehicle is in combined hosting and performance is normal. The second stage SS2 has completed its operation, but presently still with the ongoing rocket and combined coasting is in progress.
दर्शक दीर्घा में यह साफ दिखाई दे रहा है, उन्होंने भरपूर आनंद लिया है प्रमोशन का। प्लस 5 मिनट्स। SS2, SS3 का कोस्टिंग फेज जारी है। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं। EOS-8 नवीनतम उपग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें संचार, बेसबैंड भंडार और पोजिशनिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैकेज को एकीकृत कर एवियोनिक सिस्टम तैयार किया गया है, जिससे यह बहुद्देशीय एकल और सक्षम यूनिट बन गया है। इसमें कमर्शियल ऑफ द शेल्फ घटकों का इस्तेमाल कर कोल्ड रिडंडेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चरल पैनल में ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड अंतर्निहित किया गया है। इसके अलावा इसमें बैटरी, ड्यूअल जिम्बल एंटीना, फेज एरे एंटीना और लचीला सोलर पैनल लगाया गया है। इनमें से हर एक घटक ऑनबोर्ड तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा है। US-8 उपग्रह के 3 मुख्य नितभार हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और सिलिकॉन कार्बाइड पैरामैग्नी डोजीमीटर। यह उपग्रह आधारित निगरानी, आपदा निगरानी, पर्यावरण, आग का पता लगाना, ज्वालामुखी, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी जैसे कई अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया गया है। इसे दिन व रात, मध्य व दीर्घ